श्री साई हॉस्पिटल में मुरादाबाद प्रशासन की ओर से नियुक्त डिस्ट्रिक्ट आइकॉन रितु नारायण द्वारा हॉस्पिटल के कर्मचारियों, डॉक्टर्स तथा हॉस्पिटल में मौजूद सभी तीमारदारों को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आवश्यक रूप से वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया तथा हॉस्पिटल के कर्मचारियों को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। रितु नारंग ने कहा, आपका एक वोट बहुत कीमती है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप भी मतदान करें और अधिक से अधिक लोगों को शत प्रतिशत वोट डालने के लिए प्रेरित करें और राज्य के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, क्योंकि मतदान करना आपका अधिकार होने के नाते बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के बाद रितु नारंग ने पीए सिस्टम द्वारा अस्पताल में मौजूद सभी मरीजों व तीमारदारों को भी मतदान करने का महत्व समझाया। श्री साई हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अंकुर गोयल ने रितु नारंग का धन्यवाद किया तथा समस्त कर्मचारियों को वोट डालने के प्रति प्रोत्साहित किया। रिपोर्ट अनिल सक्सेना। मैं एक ही मैसेज दे रही हूँ, आप स्वयं से मोहब्बत करो। अभी तक सबको पटाने में लगे हुए थे, इस बार देश से मोहब्बत करके देखो, जो तुमसे कुछ नहीं मांगता सिर्फ तुम्हें देता है। तो इसलिए आओ मोहब्बत करते हैं और पहला मतदान करेंगे, उस दिन संकल्प करेंगे कि हाँ, और अपना सेल्फी खींच के बोलना कि यस आई हैव डन माय ड्यूटी, आई हैव लव्ड माय होम, मैंने अपने घर से मोहब्बत करी। जब अपने घर से मोहब्बत करेंगे, आप डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग स्टाफ है, आप सब टीम है डॉक्टर्स की, तो मैं यही कहूंगी आप सबसे कि ऑपरेशन जब हम करते हैं तो हम इलाज पूरा शत प्रतिशत करते हैं, हाँ या ना, करते हैं ना। तो ये जो ऑपरेशन है ना, ये हमारा वोट का भी है, क्योंकि हमने शत प्रतिशत अच्छी सरकार लानी है, क्योंकि उसने 5 साल तक हमारे साथ रहना है। सो जस्ट लव योर सेल्फ, लव योर होम एंड जस्ट वोट। 14 फरवरी वोट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की महिमा अशुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। आज मैं यहाँ पर आई हूँ अपने साई हॉस्पिटल, हमारे मुरादाबाद का बहुत प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है और बहुत पुराना है और यहाँ पर सारी सुविधाएं होती हैं और उन्होंने कोरोना के टाइम में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। क्या संदेश दिया गया और समाज को क्या संदेश देना? आज मैं यहाँ पर आई हूँ एज अ डिस्ट्रिक्ट आइकॉन स्वीप 2022, जो हमारे इलेक्शन आ रहे हैं उसके प्रति जागरूक करने। अगर आज पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स अगर मिल जाते हैं और पूरी उनकी टीम, और ये संदेश जो भी आता है, मैंने उनको ये कहा है, अनुरोध करा है कि जो भी आपके पास आए उससे बस एक ही लाइन बोलिए, आओ वोट करें। और जब हम वोट करें और सेफ रहें, इंजेक्शन्स की जितने भी हमारे पास आते हैं वो लोग इंजेक्शन भी जो हमारे कोरोना के हैं वो दोनों डोज लगी हुई हो, अगर लग गई है तो बूस्टर में आ जाएं, सो दैट हम लोग इस बार जो इलेक्शन लें तो इस बार जो हमारा सरकार का मोटिव है कि सुरक्षित इलेक्शन होने चाहिए, वो तभी पूर्ण होगा जब वोटिंग भी पूरी हो और साथ में लोग भी सुरक्षित। जैसे मैम देखा गया कि रिहायशी लोग क्षेत्रों में लोग जो है छुट्टी मनाने चले जाते हैं लेकिन इलेक्शन का वोटिंग करने नहीं जाते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए इस बार एक्सपोर्ट एसोसिएशन में मैं बहुत जा रही हूँ। अभी मेरा परसों मेरा वहाँ पर हमारे जो मंडी चौक की ज्वेलर एसोसिएशन थी वहाँ था, और आज ही मैंने सुबह दो एक्सपोर्ट हाउसेस में गए हैं जहाँ पर बातचीत हुई है कि आप लोग ने ज़रूर से देना है। और इसमें ये बात बहुत दिख रही है कि मैं घर घर जा रही हूँ और इन्फ्लुएंशियल लोगों से मैं बात कर रही हूँ कि आप लोगों ने वोट आगे बढ़ाना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये देखती हूँ शिकायतें भी ये लोग करते हैं और गवर्नमेंट से चीज़ें भी ये लोग मांगते हैं कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और मैंने आज भी यही बात बोली है कि पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझनी चाहिए, शिकायत ना करें लेकिन वोट दें। अगर आप गांव की परसेंटेज देखेंगे कि वो लोग कितना अच्छी वोटिंग परसेंटेज 70-80% जाती है, और अगर आप शहर की देखेंगे
तो कहीं जगह 30% भी होती है, बहुत अफसोस भी होता है, और कहीं जगह हमारा 50 तक मैक्सिमम जाता है। तो इस बार उद्देश्य यही है कि इन्फ्लुएंशियल और जो अपने आप को कहते हैं हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं इस बार अलग अलग जा रही हूँ हर जगह, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद देम एंड टेल देम दैट जस्ट वोट। और इस बार एक बात और बोल रही हूँ कि 14 फरवरी मिली हम लोग को, और ये बात मैं पूरे 3 राज्य और हैं तो 14 फरवरी जिनको मिली और एक ही टाइम पर वो कर रहे हैं, तो 14 फरवरी को बोला जाता है वैलेंटाइंस डे, एक दिन कहा जाता है कि मोहब्बत का दिन इसे कहा जाता है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी इस माध्यम से, आओ मोहब्बत करके देखो अपने देश से, और पहली बार हर बारी देते हो किसी ना किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से, इस बारी अपनी सच्ची मोहब्बत देश से करो। और हर कोई एक चीज फूल नहीं कह रही हूँ, वोट दो, और वोट ऐसे दो और शान से दो, उसकी सेल्फी खींचो कि हाँ मैंने ये उत्सव बनाया और अपने देश से मोहब्बत करी। जय हिंद, जय।